नमस्कार, मैं जीएल डिग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, एसआरआरएम गवर्नमेंट कॉलेज झुंझुनू। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है लोकोमोशंस ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो लोकोमोशन के अंदर पहले कि लोकोमोशन होता क्या है, तो लोकोमोशन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और यह जीवों का जैविक गुण है। और मोमेंट जो है वो कई प्रकार से हो सकता है, मोमेंट स्थानबद्ध भी हो सकता है और मोमेंट के फलस्वरूप स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। कुछ जंतु स्थानबद्ध होते हैं और जो स्थानबद्ध गति प्रदर्शित करते हैं उनमें स्थान परिवर्तन नहीं होता, बल्कि स्थान पर रहते हुए भी वो कुछ गति प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उनको स्थानबद्ध गति कहते हैं। अब टाइप क्या होता है कि उसके प्रकार जो है दो प्रकार के होते हैं, एक स्थानबद्ध मोमेंट होता है और एक स्थान परिवर्तन गति होती है। तो स्थानबद्ध गति के अंदर क्या होता है कि वे एनिमल अपने स्थान पर रहते हैं, स्थान परिवर्तन नहीं होता है, जगह चेंज नहीं होती। और स्थान परिवर्तन गति के अंदर जो है अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, और यह स्वतंत्र जीवी या फ्री लिविंग एनिमल्स के अंदर ये होती है, फ्री लिविंग एनिमल्स के अंदर होती है। और इसका मुख्य कारण है भोजन, रक्षा और प्रजनन हेतु योग्य प्राणी खोज करना या अपने प्रजनन के लिए साथी की खोज करना, तो इसका मुख्य कारण ही होता है। अकशेरुकी जंतुओं के अंदर गति जो होती है वो कई माध्यम से होती है, और माध्यम जो है तीन प्रकार के होते हैं, जल, वायु, स्थल। तो अकशेरुकी जंतुओं में या इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जल के द्वारा, वायु के द्वारा और स्थल पर, तीनों के द्वारा इसके अंदर होता है, और ये अलग अलग और इनके लिए अलग अलग अंग होते हैं या अंगक होते हैं, और इनके लिए कई प्रकार के कूटपात या कोई गमन या पंख पाए जाते हैं। जैसे वायुवीय गमन के लिए पंख पाए जाते हैं, जलीय गमन के लिए कूटपात, कसाब, पक्षाम, पार्श्वपाद, नालपाद पाए जाते हैं, और स्थलीय मोमेंट के लिए, गति के लिए उसमें टांगे होती है, टांग और पेशियां पाई जाती हैं, पेशियापाद पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कूटपादीय या स्थलीय, पहले जलीय गति की बात करते हैं, और जलीय गति के अंदर सबसे पहले आता है कूटपाद द्वारा गमन। तो कूटपाद द्वारा जो है वो प्रोटोजोआ के, राइजोपोडा और स्पोरोजोआ के कुछ जंतुओं के अंदर कूटपाद परिवर्तन पाया जाता है, और ये कूटपाद जो है वो सुडोपोडिया कहलाते हैं, और इस प्रकार की जो गति होती है वो अमीबिया गति कहलाती है, क्योंकि कूटपाद जो है वो अमीबा के अंदर होता है, और इसलिए इसको अमीबिया लोकोमोशन कहते हैं। और ये अमीबिया लोकोमोशन जो है कई प्रकार का होता है, आकृति, शेप एवं संरचना के आधार पर ये कूटपात कई प्रकार के होते हैं। पहला कूटपात लोबोपोडिया, यानी कि अंगुलीनुमा, ये अंगुलीनुमा या पाली लोब्स के समान होते हैं, इनका लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनका अंतिम सिरा गोल और ब्लंट होता है, और कभी कभी ये साकेत हो सकते हैं। ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बने होते हैं, किसके, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बने होते हैं। कभी कभी इनमें एक्टो बाहर की तरफ जो होता है वो एक्टोप्लाज्म होता है, और अंदर की तरफ जो होता है वो एंडोप्लाज्म होता है। ये शीघ्रता से बनते और बिगड़ते रहते हैं। इस प्रकार के कूटपात की गति जो है वो अमोबिया प्रोटीएस में पाई जाती है। सेकंड है फिलोपोडिया। फिलोपोडिया जो है इसके पहले अमीबा प्रोटीएस के अंदर एक विशेष प्रकार की विभिन्न दिशाओं में कई कूटपात एक साथ बन जाते हैं, जिसे अमीबा लाइपेक्स में एक बार में केवल एक ही कूटपात बनता है, फिलोपोडिया। फिलोपोडिया जो है कूटपात पतले लंबे धागेनुमा या फिलामेंट टाइप होते हैं, ये आगे से उकेले होते हैं तथा केवल ये एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं, ओनली एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं और ये शरीर के सभी दिशाओं से निकलते हैं,
कुछ प्राणियों में ये शाखित भी होते हैं और इस तरह के कूटपात यूग्लिफाइडा और अमीबिया रेडियोसा में पाए जाते हैं तीसरे प्रकार के जो है वो रेटिकुलोपोडिया या जालिकापात, ये राइजोपोडिया, इनका दूसरा नाम राइजोपोडिया भी होता है। जालिकापात, इन्हें मूल पाद भी बोलते हैं। ये लंबे पतले धागे के समान शाखित होते हैं तथा ये पड़ोसी कूटपात की शाखाओं से मिलकर के एक जालनुमी संरचना का निर्माण करते हैं। ये इस प्रकार से जालनुमी संरचना ये अस्थायी होते हैं और ये गमन में काम नहीं आते बल्कि ये भोजन को पकड़ने के उपयुक्त होते हैं। इनका जो है मुख्य काम क्या होता है, भोजन को पकड़ने का होता है। और ये कूटपात एक्टिनोफ्राइश और एक्टिनोस्फेरियट में पाए जाते हैं और इस प्रकार के कूटपात एल्फिडियम में पाए जाते हैं। एल्फिडियम में भी इस प्रकार सामान्य ये संरचनाएँ क्या होती है, अस्थायी रूप से होती हैं। चौथी है एक्जोपोडिया। तीसरी है अपने रेटिकुलोपोडिया, ये कुड़िया, इसका दूसरा नाम राइजोपोडिया है और ये धागे के समान पतले साकेत होते हैं और तथा पड़ोसी कूटपात की शाखाओं से मिलकर के एक जालनुमी संरचना का निर्माण करते हैं और ये कूटपात जाल भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के कूटपात एल्फिडियम में पाए जाते हैं। चौथा है राइजोपोडिया, राइजोपोडिया या एक्टिनोफ्राइसिस, ये एक्टिनोफ्राइसिस के अंदर पाए जाते हैं और ये लंबे पतले धागे के समान और पतले होते हैं। ये एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, एक्टोप्लाज्म के ये बने होते हैं, ये एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं और इनमें मध्य में एक कठोर केंद्रीय एक्सिस पाई जाती है। एक इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक्सिस पाई जाती है। ये शरीर के चारों तरफ सूर्य की किरणों के समान निकले रहते हैं तथा ये अस्थायी होते हैं। ये गमन के काम नहीं आते और ये भोजन को पकड़ने हेतु तो उपयुक्त होते हैं और इस तरह के कूटपात एक्टिनोफ्राइस में पाए जाते हैं। और कूटपात सामान्यतः अस्थायी संरचना होती है, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। कूटपात बनने और उनके गमन की विधि का अध्ययन हम अमीबा के उदाहरण से समझ सकते हैं। कूटपात की सहायता से अमीबा लगभग इसके अंदर गति जो होती है वो 0.03 mm प्रति मिनट होती है। इसकी गति जो है, कई बार ये पूछ लेते हैं इसकी गति क्या होती है कि एक मिनट के अंदर ये जो है 0.02 mm से लेकर के 0.03 mm, यानी कि गति जो है वो बहुत ही धीमे होती है। अब अमीबा के अंदर कूटपात की बात करते हैं तो अमीबा भोजन की खोज एवं शत्रु की रक्षा के लिए, इसका कारण अमीबा के अंदर जो गति का कारण है इसके अंदर क्या है, एक तो भोजन की खोज और दूसरा कारण उसमें शत्रु से रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। अमीबा में प्रचलित यानी कि जो प्रचलन होता है या जो गमन होता है वो सुडोपोडिया के द्वारा होता है। गति करते समय इसकी दिशा में अमीबा कई कूटपात का निर्माण करता है, परंतु इनमें से एक जो सबसे अधिक लंबा होता है वही कूटपात परिचल में सहायता करता है। कूटपात का निर्माण कोशिका द्रव्य के आगे की ओर प्रभावित होने के फलस्वरूप होता है, यानी कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो आगे की ओर चलेगा तभी कूटपात का निर्माण होगा। कूटपात के निर्माण में कोशिका द्रव्य का प्रभाव किस प्रकार होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, यह अभी तक स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो पाया है। फिर भी इनको क्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर अलग अलग सिद्धांत या अलग अलग परिकल्पनाएं दी गई थी। पहला सिद्धांत यह संकुचन जलीय सिद्धांत, यह सिद्धांत 1875 में सुलजे ने दिया। इसके अनुसार अमीबा के पश्च छोर पर उपस्थित एक्टोप्लाज्म यानी कि पीछे सिर पश्च छोर पर एक्टोप्लाज्म
होता है एक्टोप्लाज्म। बस सिरे के ऊपर एक्टोप्लाज्म जो होता है उसमें संकुचन होता है और भीतर की और उपस्थित एंडोप्लाज्म ये आउट यानी कि ये तो बाहर की तरफ होता है और ये अंदर की तरफ जो एंडोप्लाज्म होता है, अंदर की तरफ जो एंडोप्लाज्म होता है उसमें वो उसको आगे की ओर धकेल देता है, इस प्रकार कूट का निर्माण हो जाता है। सेकंड मत है प्रस्तनाव मत। यह 1886 में बर्थोल्ट ने दिया था और 1888 में इसका रोमलर और बुश्चली ने इसका समर्थन किया था। इस मत के अनुसार अमीबा के शरीर में शरीर के धरातल से किसी भी स्थान पर प्रस्तनाव कम हो जाने के कारण इस स्थान पर जीवद्रव्य भीतर दबाव के कारण कूटपात के रूप में बाहर निकल जाता है, यानी कि इसके अंदर सरफेस टेंशन होती है और इस प्रस्तनाव या सरफेस टेंशन के कारण इसके अंदर कूटपात का निर्माण होता है। तीसरा है लुढ़काव मत। तीसरा कौन सा है? लुढ़काव मत। ये है जो यह 1904 में जेनिंग ने बताया, 1904 में जेनिंग ने बताया और यह गति किसी तरल पर तरल के भरे गोल के रुड़कने वाली गति के समान होती है, यानी कोई तरल होता है कोई लपलपा पदार्थ जिसके ये होता है इसके अंदर तरल भरा रहता है और इसके लुढ़कने के कारण ये गति होती है। अमीबा में इस प्रकार की गति जीवद्रव्य के चक्कर लगने के कारण और इसके अंदर क्या होता है कि जीवद्रव्य इसके अंदर जो पाए जाने वाला जो जीव द्रव्य है उसके अंदर मोमेंट होता है, उसके अंदर जैसे जैसे ही आगे चलता चला जाता है वैसे वैसे ये लंबा होता चला जाता है ये गोल, फिर उसके बाद में ये दूसरा इस प्रकार से ये लंबा होता है और इसके अंदर जीव द्रव्य के अंदर ये इस प्रकार की गति होती चली जाती है, ये गति होती चली जाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। और जेनिंग्स ने अपने प्रयोग के पक्ष में बताया कि इसके अंदर जो है गति है इस प्रकार जो होती है। इसका एक कार्बन यहाँ पे जेनिंग ने सिद्ध करके बताया कि यहाँ पे हम एक कार्बन कण रख देते हैं और ये कण धीरे धीरे जो है इसके अंदर मूवमेंट होता चला जाता है और इस प्रकार इसके अंदर गति होती रहती है। संकुचन चौथा है संकुचन और चलन गति सिद्धांत। यह डेलिंजर ने 1906 में दिया, डेलिंजर ने 1906 में दिया। इसके अनुसार कोशिका दर में उपस्थित संकुचनशील पदार्थ इस गति के लिए उत्तरदायी होते और अमीबा जिस दिशा में गति करना चाहता है उस दिशा में एक कूटपात प्रसारित करता है और इस तरह के एक साथ एक इस तरह से साथ चिपका लेता है। सतह से टिकते ही इसमें संकुचन शुरू हो जाता है और पूरी कोशिका द्रव्य आगे की ओर खींच जाता है। इस प्रकार बार बार कूटपात बनते हैं और अमीबा आगे बढ़ता चला जाता है और ऐसा लगता है कि अमीबा देखने में ऐसा लगता है कि अमीबा अपनी टांगों के समान कूटपात पर चल रहा होता है। अगला है सोल जेल मत। यह मत सबसे ज़्यादा प्रचलित है और यह 1917 में हाइमन ने इसको दिया और पेंटिन और मास्ट 1925 में इस सिद्धांत का समर्थन किया। इस मत के अनुसार अमीबा में गति कोशिका द्रव्य के गाढ़ेपन के परिवर्तन के कारण होती है और यह सिद्धांत जीव द्रव्य सिद्धांत के स्वतः सोल जेल मत के अनुसार सोल जेल में परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। सोल जेल परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार अमीबा में के प्रचलन में इसको चार स्टेप्स में समझाया जा सकता है। पहला स्टेप क्या है कि पहले पद में अमीबा, इसमें कितने चार स्टेप है। पहले पद में अमीबा के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बाहर की ओर झिल्ली प्लाज्मा लेमा आधार से चिपक जाता है, सबसे पहले प्लाज्मा लेमा आधार से चिपक जाता है। उसके बाद अमीबा में उपस्थित प्लाज्मोसोल गति की दिशा में बहने लगता है। इस प्रकार पश्च भाग के प्लाज्मो जेल जो प्लाज्मो एंडोप्लाज्म का गाढ़ा भाग होता है का आंशिक
सोल्यूशन होने लगता है और प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में बदलने लगता है। इस प्रकार केंद्रवर्ती प्लाज्मा सोल आगे की तरफ खींचने लग जाता है और दुर्लभ क्षेत्र में प्लाज्मा जेल का दबाव रहता है, जिसके कारण एक छोटा उभार बन जाता है। यह उभार ही कूटपात बनाने की प्रारंभिक अवस्था होती है। जैसे ही एंडोप्लाज्म नए कूटपात में प्रवेश करता है तो यह शीघ्रता से एक प्लाज्मा जेल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार कूटपात एक मजबूत जिलेटिन की नलिका बना लेता है। तीसरे पद में अमीबा के शरीर के पश्च भाग में प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में बदलने लग जाता है और नए कूटपात का निर्माण करने लग जाता है। चौथा पद जो है, इसमें प्लाज्मा जेल में बची हुई नलिका संकुचित हो जाती है, जिससे शरीर आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रकार प्लाज्मा सोल आगे की चारों तरफ दबाव डालता है, जिससे प्लाज्मा सोल अपने आगे की तरफ बढ़ता है और ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है और अमीबा आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। अगला सिद्धांत है इसके अंदर 6 नंबर पे, वल्वन और अवल्वन की क्रिया, यानी कि फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, वल्वन और फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। वलन होने की क्रिया है। यह सिद्धांत का जो है प्रतिपादन 1950 में गोल्ड एयर ने किया, किसने, गोल्ड एयर एकर ने किया, और 1950 में इसका लास्ट में इसका किया तथा 1952 में पुनः गोल्ड एकर ने इसको वापस प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार जीव द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन श्रृंखलाओं के वलन यानी फोल्ड और अनफोल्ड द्वारा प्रोटीन के अणुओं के संकुचन या शिथिलन के कारण इनमें गति उत्पन्न होती है और इस गति के कारण इनमें कूटपात उत्पन्न होता है। और गोल्ड एकर और लार के अनुसार जीव द्रव्य की सोल जेल प्रोटीन अणुओं के फोल्डिंग द्वारा और जेल अवस्था प्रोटीन अणुओं के अनफोल्ड के द्वारा होती है। यानी इसके अंदर जो जेल जो अवस्था होती है फोल्डिंग होता है, अनफोल्ड होता है, और सेल अवस्था जो होती है वो अनफोल्ड के द्वारा होती है। यानी प्रोटीन अणुओं के जेल अवस्था में अब फोल्डिंग होती है, इसमें सोल अवस्था में फोल्डिंग होती है। यहाँ पे सोल अवस्था के अंदर क्या होता है, सोल अवस्था में क्या होती है, फोल्डिंग होती है, और जेल अवस्था के अंदर अनफोल्ड होता है। इस प्रकार आवश्यक ऊर्जा एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और जो कहाँ होती है, जो जीव द्रव्य में पाई जाती है। और इस प्रकार इसके अंदर कूटपादीय प्रचलन समाप्त हो जाता है। और आगे के टॉपिक के अंदर हम सीलियरी फीडिंग की बात करेंगे, सीलियरी लोकोमोशन की बात करेंगे। धन्यवाद।